हेलो जी, क्या हाल है आप लोगों के? क्या आप अपने फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी करियर को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं? क्या आप एक फेमस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं जिसके साथ लोग सेल्फी बनवाने में फ़खर महसूस करें और लोग जिनको फॉलो करें? अगर इन सारी बातों का जवाब हाँ में है तो मेरी ये वीडियो आपको अपने गोल अचीव करने में बहुत मदद देगी। मेरा नाम अहमद जलबानी है और मैं पिछले 14 साल से फोटोग्राफी और फिल्म पढ़ा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं चैनल पर फोटोग्राफी और फिल्म रिलेटेड रिव्यूज, वीलॉग्स, ट्यूटोरियल्स हिंदी और उर्दू जबान में अपलोड करता रहता हूँ, और वो बेल का आइकॉन भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपसे मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर कोई सिंगर बनना चाहता है, गाना सीखना चाहता है, तो क्या वो नए गाने बनाकर उनकी प्रैक्टिस करेगा या जो ऑलरेडी अरिजीत सिंह के, आतिफ असलम के या दूसरे फेमस सिंगर्स के गाने मशहूर हुए हुए हैं उनको गाकर प्रैक्टिस करेगा? यकीनन इसका जवाब यही है कि वो जो ऑलरेडी फेमस सॉन्ग्स मौजूद हैं उन्हीं को गाकर प्रैक्टिस करेगा, और जब वो गाना सीख जाएगा तो फिर यकीनन वो अपने गाने भी बनाएगा। ऐसे ही वो लोग जो फोटोग्राफी या फिल्म की ABC सीख रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं कि आपने किसी फोटोग्राफर का अच्छा काम देखा, उसकी लाइटिंग को कॉपी किया, उसके स्टाइल को कॉपी किया, उसके एंगल को कॉपी किया, और अगर वो कॉपी करके आप उसे करीब भी पहुंच गए तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है। एज अ स्टूडेंट किसी भी फोटोग्राफर या फिल्म मेकर का काम कॉपी करना, एज लॉन्ग एज मकसद सीखना हो, कोई हर्ज नहीं। और इसको बताने में भी कोई हर्ज नहीं कि मैंने फलाने आर्टिस्ट का काम कॉपी किया है। सोचें अगर कोई आतिफ असलम का गाना गाकर ये कहे कि ये आतिफ असलम का नहीं मेरा गाना है, तो उसके बारे में लोग क्या कहेंगे? यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपको एक ऐसा आर्टिस्ट बनना है जिसकी अपनी एक पहचान हो, जिसका नाम हो, जिसके काम को लोग पहचाने, जो अपने आप में एक ब्रांड हो, तो आपको अपनी ओरिजिनलिटी ढूंढनी पड़ेगी। क्योंकि आप हैं, आप अपने दोस्त नहीं हैं, आप वो फोटोग्राफर या फिल्म मेकर नहीं हैं जिससे आप इम्प्रेस हुए हैं। आप जितने भी फेमस फोटोग्राफर्स और फिल्म मेकर्स को जानते हैं वो उनके यूनिक स्टाइल से काम करने की वजह से जानते हैं। ये अलग बात है कि वो भी कहीं ना कहीं से इंस्पायर होते हैं, लेकिन अपनी ओरिजिनलिटी को कायम रखते हैं। और अगर आपको कॉपी और इंस्पिरेशन में फ़र्क समझना हो तो मुझे बताइएगा, मैं एक और वीडियो इस टॉपिक पर भी आपके लिए बनाऊंगा। यकीनन इस सारे प्रोसेस में टाइम लगता है, अपने अंदर के आर्टिस्ट को जगाने में टाइम लगता है, अपने अंदर की आवाज़ को सुनने में टाइम लगता है, अपने अंदर का आर्ट समझने में टाइम लगता है। लेकिन यकीन माने जिस दिन वो आप अपने अंदर का आर्टिस्ट ढूंढ लेंगे, आपका करियर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कब करेंगे? अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आपने सिर्फ मुझे बताना है कि हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है।